यो अक्षय, थारा भाई अक्षय इतने व्लॉग बना देगा, इतने व्लॉग बना देगा, कद्दी तुमने सोची ना होगी। अरे तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हरिद्वार के मतलब हरिद्वार के बारे में थोड़ी आपको जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव होके आया हूँ। तो वहाँ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। और सबसे पहले तो जिसने मेरे हरिद्वार के व्लॉग नहीं देखे, ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव के व्लॉग नहीं देखे, सबसे पहले जाके वाले व्लॉग देख के आओ, फिर उसके बाद ये वाला मतलब व्लॉग बोल लो या कुछ भी बोल लो, वीडियो या ये वाली, तो सबसे फिर उसके बाद ये देख के आना, पहले जाके हरिद्वार का व्लॉग देख के आओ। तो देखो बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। मजाक छोड़ते हैं, मजाक को करते साइड, मेन बात पे आते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम निकले थे हरिद्वार के लिए, तो हम यहाँ से निकले थे 6 तारीख की रात को, 10:25 की हमारी गाड़ी थी, और हम 9 बजे निकले थे घर से अपने रात को, जो कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी गाड़ी थी मंसूरी एक्सप्रेस। तो हमने उसमें रिजर्वेशन नहीं कराई थी क्योंकि वेटिंग चल रही थी टिकट की, और हमें जाना तो था ही, घूमने जाना था, हमें बाबा के दर्शन करने आने थे। तो इसलिए हम उससे जनरल गाड़ी से, जनरल डब्बे से निकल गए थे। तो भाई आपको मैं बताऊं तो गाड़ी तो आपको मैंने बता दी, मंसूरी एक्सप्रेस थी रात को 10:25 की पुरानी दिल्ली से। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भूल कर भी उस गाड़ी में मत जाना जनरल डब्बे से, और वीकेंड में तो खासकर मत जाना। क्योंकि भाई इतनी भीड़ थी गाड़ी में, इतनी भीड़ थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि रिजर्वेशन करा के जाना उस गाड़ी से। तो आगे बढ़ते हैं, हम पहुँचे वहाँ सुबह 6:30 बजे करीब पहुँच रहे थे हम। हरिद्वार स्टेशन पर हम 6:30 बजे करीब पहुँच गए थे, फिर वहाँ उतरे, वहाँ से हमने रिक्शा करा, ऑटो रिक्शा करा, वहाँ से हमने 20 रुपये सवारी ली हमने हर की पौड़ी तक की। फिर वहाँ से हम हर की पौड़ी गए, हर की पौड़ी से हमें हर की पौड़ी पे ही लेना था, हमने धर्मशाला होटल जो भी लेना था हमें हर की पौड़ी पे ही लेना था। तो हमने हर की पौड़ी पे धर्मशाला देखी, जो कि बढ़िया धर्मशाला है, चिंतामणि आश्रम नाम है उस धर्मशाला का। और दिखाई है मैंने वो व्लॉग में, काफ़ी अच्छी धर्मशाला है, बढ़िया है। तो उस धर्मशाला में हमने 2 रूम लिए थे क्योंकि हम 7 बंदे थे, और धर्मशाला वाले भैया ने ये बोल रहा था कि आपको 2 रूम लेने पड़ेंगे, आप 7 बंदे हो। इसलिए हमने 2 रूम लिए थे, और 2 रूम हमको पड़े थे 2600 रुपये के, और बढ़िया थे रूम, सही थे एकदम बढ़िया हमारे रहने लायक। तो और आप जाओ तो आप भी ट्राई करना, काफ़ी अच्छे रूम थे। और फिर माँ से बात करें तो हम माँ से हर की पौड़ी नहाने गए। तो हर जहाँ हमने होटल लिया, जहाँ हमने धर्मशाला ली थी, वहाँ से आधा किलोमीटर ही दूर होगा गंगा घाट। फिर वहाँ से गंगा घाट पे हम नहाने गए पैदल पैदल वॉक करते हुए। तो हम वहाँ नहाए धोए, और भाई गंगा जी में बहुत कम पानी था 7 अप्रैल को। बहुत ही ज़्यादा कम पानी था गंगा जी में, देखा होगा आपने ब्लॉग में। फिर वहाँ से नहा धो के हम बाहर निकले, बाहर हमने छोले भटूरे खाए, जो कि वैष्णो भोजनालय था एक, वहाँ पर हमने छोले भटूरे खाए। 100 रुपये की प्लेट थी छोले भटूरे की, बहुत महंगी थी भाई, पर क्या करे, भूख लग रही थी, खाना तो पड़ता ही। अब वहाँ हमने 100 रुपये के छोले भटूरे खाए। फिर वहाँ से हम होटल गए अपने शाम को, और गंगा जी की आरती देखनी थी हमें,
हम 5:30 बजे हम अपने धर्मशाला पहुंचे, जहाँ हमने धर्मशाला ले रखी थी। वहाँ पहुंचे हम, और 6:30 बजे की गंगा जी की आरती थी। गंगा जी की आरती भी मिस कर दी हमने, क्योंकि थक गए थे वहाँ से, नहा के घर गए तो थक गए सारे, सो गए लेट थी। और गंगा जी की आरती भी हमने मिस कर दी। तो हमने सोचा कि अगले दिन नीलकंठ महादेव से जब आएंगे तब हम दर्शन, जब हम आरती के दर्शन कर लेंगे, जब देख लेंगे आरती। पर अगले दिन भी हम नहीं देख पाए, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम सो गए। अगले दिन हम खाने पे आया, रात को हमने खाना खाया, तो वहाँ थाली के हिसाब से खाना मिलता है। 80 रुपये की थाली मिलती है, 100 रुपये की थाली मिलती है। तो हमने 100 वाली थाली ली थी, और थाली में दाल फ्राई थी, 4 रोटी थी, मिक्स वेज की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और चावल थे। ये सब चीज़ें थी, एक बंदे के लिए बहुत है, एक बंदे का पेट भर जाता है, भर जाएगा उसमें। तो हमने वो खाया था रात को। फिर उसके अगले दिन, जिस दिन हमको नीलकंठ महादेव निकलना था, तो हमने हर की पौड़ी पे से ही अपना रिक्शा टेम्पू करा था। रिक्शे वाले ने 100 रुपये बोल रहा था, रिक्शे वाला टेम्पू वाला 100 रुपये मांग रहा था एक जने के, ऋषिकेश जाने के लिए, क्योंकि ऋषिकेश से ही नीलकंठ महादेव का रास्ता है ऊपर। फिर हमने 80 रुपये लगवाए उससे कि भैया 80 रुपये ले लेना, थोड़ा कम बम करवाया। तो भैया ने बोला चलो 80 रुपये दे देना, बैठ जाओ। फिर हमने 80 टेम्पो में बैठे, टेम्पो में बैठ के हम ऋषिकेश गए, और बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था रास्ते में। तो हम यहाँ से सोच के गए थे कि हम ऋषिकेश से अपनी गाड़ी लेंगे, मतलब ऋषिकेश में रेंट पे गाड़ियाँ मिलती है, स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह रेंट पे मिलती है। तो हमने यहाँ से सोच के गए थे कि हम वहाँ जाके रेंट पे लेंगे। पर वहाँ जाके हमने 2-3 जनों से पूछा, पता करा जहाँ रेंट में मिलती है गाड़ी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया रेंट पे नहीं है सारी गाड़ी, मतलब गई हुई है सारी गाड़ी, नहीं है रेंट पे। फिर हमने मतलब 2-3 दुकानों पे और पूछा, तो एक दुकान पे हमें पता लगा कि 1500 रुपये की स्कूटी है और 2000 रुपये की बाइक है, और ऊपर से हम पेट्रोल भी हमारा ही होगा। हम 7 बंदे थे, तो हमको 3-4 बाइक 4 स्कूटी लेनी पड़ती, और ऊपर से पेट्रोल भी हमारा होता। तो हमने मैं कैंसिल कर दी, नहीं ली हमने। फिर हम सोचे कि या तो पैदल ही करेंगे ऊपर, नीलकंठ महादेव की चढ़ाई पैदल ही करेंगे, या वहाँ पर शेयर टैक्सी चलती है और शेयर टैक्सी में करेंगे। फिर हम नीलकंठ महादेव वाले रास्ते पे पहुंचे, वहां से हमने शेयर टैक्सी करी। क्योंकि हमें शाम तक वापस भी आना था, नहीं तो हमें टाइम हो जाता। और वहां से हमने शेयर टैक्सी करी, और शेयर टैक्सी वाले ने 200 रुपये लिए पर सवारी के, मतलब आने जाने के लिए उनने 200 रुपये, खाली जाने जाने के 100 रुपये और आने के भी 100 रुपये। तो हमें आना जाना करना था, इसलिए शेयर टैक्सी वाले ने 200 रुपये लिए पर पर्सन के। फिर वहाँ से हम पहुँचे 12:30-1 बजे करीब, चले थे हम नीलकंठ चढ़ाई करने के लिए टैक्सी में बैठ के। और वहाँ हम 3 बजे पहुँचे दिन में, क्योंकि रास्ते में भाई बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैं आपको यही बोलूँगा, देखो वीकेंड में तो आप जाना ही मत, अच्छा वीकेंड में इतना क्राउड होता है, इतना जाम होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हम परेशान हो गए थे भाई। अब 3 बजे हम नीलकंठ महादेव पहुंचे। नीलकंठ महादेव पहुंचने के बाद फिर वहां से हम दर्शन वर्शन करके 5 बजे तक हम नीचे आने लगे। तो 5 बजे चले थे नीचे आने के लिए नीलकंठ महादेव से। और भाई सच बताऊं तो हम पता कितने बजे आए, हम 9:30 या 10 बजे हम नीचे आए ऋषिकेश में। पाँच बजे के चले हुए, शाम को 9:30 या 10 बजे करीब नीचे उतरे हम, क्योंकि भाई रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा जाम था। वीकेंड में तो जाना ही मत भाई, ठीक है, समझ गया। यही बोलूँगा मैं तो, कि वीकेंड में जाना ही मत। अब हमने भी सोच लिया कि वीकेंड में नहीं जाएंगे हम। फिर वहाँ से हमने रात को 9:30-10 बजे आए नीचे ऋषिकेश में। फिर ऋषिकेश से हमने टेम्पू करा, ऑटो टेम्पू करा हम हरिद्वार जाने के लिए। फिर ऋषिकेश से वही 80 रुपये लिए टेम्पू वाले ने, और टेम्पू वाले ने हमको छोड़ा। 10 बजे हमको नीलकंठ से नीचे आए थे ऋषिकेश, 10 बजे रात को, और 12 12 बजे हमको टेम्पू वाले ने छोड़ा हरिद्वार। 11:30-12 बजे टेम्पू वाले ने हमें हरिद्वार छोड़ा, क्योंकि रास्ते में भाई बहुत ज़्यादा जाम था। वीकेंड में मत जाना भाई, मत जाने की बात बोलूँगा कि वीकेंड में मत जाना। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया,
टूट गया मैं तो अब। फिर भाई हम 12 बजे तक अपने होटल पे पहुंचे धर्मशाला पे। फिर वहां जाके हमने खाना वाना लिया, वही जो हमने एक दिन पहले खाया था वही खाना लिया। खाना वाना खा के सो गए, और सुबह 6:30 बजे की गाड़ी थी हमारी वापस आने की, घर आने की। वापस 6:30 बजे की गाड़ी थी, 4:30 या 5 बजे तक उठ जाना सारे गाड़ी के लिए, तो जल्दी निकलेंगे वहां से, तो जल्दी उठ के जल्दी चलना। और भाई हम पता कितने बजे उठे, हम उठे वहाँ 5:45 पे, 4:45 करीब उठे हम वहाँ। चाचा ने उठाया जल्दी से, क्या भाई लेट हो गए, जल्दी चलो। वहां से निकल के हमने जल्दी से निकल विकल के हम स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर पता चला कि गाड़ी में, जिस गाड़ी में हमको जाना था ना घर 6:30 बजे वाली में, उस गाड़ी में जनरल डब्बा ही नहीं था। गाड़ी भी आ गई, गाड़ी में पता लगा हम के जनरल डब्बा नहीं है। फिर वहां से पोपट हो गया था हमारे साथ, तो बड़े गंदा पोपट हुआ था। फिर माम ने कोई नहीं पूछा, हमने टिकट मतलब 2-4 बंदों से पूछा, टिकट वाले जहाँ टिकट मिलती है उनसे ही पूछा कि और कोई गाड़ी है, तो उन्होंने बताया। फिर हमने फोन में भी चेक करा, तो वहां से एक गाड़ी और थी 7:45 की, वापस आने की सुबह की 7:45 की गाड़ी थी वहां से, तो वही गाड़ी हमने पकड़ी 7:45 की। उस गाड़ी में हमको सीट मिल गई थी बैठने लेटने की, तो हम आए वहां से दिन में 2 बजे घर पे पहुंचे। फिर हम मतलब सुबह 7:45 पे वो गाड़ी चली थी, और दिन में 2 बजे उन्होंने उतारा हमको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और उस गाड़ी में सीट भी मिल गई थी हमको बैठने बैठने की। बस बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत इंजॉय करा, बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। आप भी जाओ, आप घूम के आओ, जैसी जैसी मैंने आपको जानकारी दी है। चिंतामणि धर्मशाला में रुकना हो, वहाँ भी रुकना, काफ़ी कम किराया है वहाँ का। और आपको पर एक ही बात बोलूँगा मैं कि वीकेंड में जाना ही मत। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा, चल जा रोक ले बेटा जा। बिल्कुल मत जाना वीकेंड में भाई, हम भी नहीं जाएंगे वीकेंड में। तो बस यही जानकारी देनी थी आपको मुझे। और जिसने मेरा व्लॉग नहीं देखा ना, हरिद्वार वाला व्लॉग नहीं देखा जिसने, हरिद्वार नीलकंठ वाला, तो सबसे पहले जाके यार नीलकंठ और हरिद्वार वाला व्लॉग देख के आओ। और गाइज आपको हरिद्वार नीलकंठ वाला व्लॉग पसंद आया ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि तो बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे।